कराची की लांडी जेल से 68 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वाले माहीगीरों में 67 का ताल्लुक भारत के सूबे गुजरात जबकि 2 का यूपी से है। रिहा होने वाले माहीगीरों को जेल की गाड़ियों में कराची कैंट स्टेशन पहुंचाया गया। दीपक, कैसा लग रहा है घर जाते हुए? अच्छा लगता है। कब गिरफ्तार हुए थे? वो 16 वो 10 महीना है। बहुत खुशी है अभी बच्चे को मिलने के लिए। कितने टाइम पहले गिरफ्तार हुए थे? 10 महीने पहले। अच्छा, और अभी घर जाने की खुशी है? हाँ। दिवाली मनाने में तो बहुत मजा आई, मजा आई। दिवाली मनाई, दिवाली मनाया था, मनाया सब साथियों के साथ मिलकर मनाया था। रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीरों को अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के जरिए लाहौर पहुंचाया जाएगा। कैदियों को कराची से वाहगा बॉर्डर तक पहुंचाने के खराजात ईडी फाउंडेशन ने बर्दाश्त किए हैं। हमारे ईडी फाउंडेशन की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन, इनका खाने पीने का खर्चा और इनको तवायफ दिए जाएंगे और 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे ताकि वो वहाँ पे जाके अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ खरीद सके। रिहाई पाने वाले माहीगीरों का कहना था कि पाकिस्तानी जेल हुक्काम की जानिब से उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया और उन्हें दिवाली की मजहबी रसूमात अदा करने के लिए हर तरह की इजाज़त भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ जिशान शाह, जियो न्यूज़, कराची।